अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने चार अंडे लिए हैं लार्ज साइज के, 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए इसको कट कर लिया है, 1 लार्ज साइज की प्याज लिए इसको मिक्सर में ग्राइंडर में चलाकर पेस्ट बना लिया है, हरा धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए, पाउडर मसाले में मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी लिए, 1/2 टीस्पून नमक लिया है या सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है, 2 खड़े मसाले में 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 4-5 मैंने लौंगे लिए हैं, 4-5 मैंने काली मिर्च ली हैं, 1 दालचीनी स्टिक लिए, 1 बड़ी इलायची लिए, 2 छोटी इलायची लिए। तो ये चीज़ें चाहिए हमें एक कढ़ी तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक पैन में 2 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया, इसको गर्म होने देंगे। तो ऑयल के गर्म होते ही मैं सारे खड़े गरम मसाले डाल दूंगी। इसके बाद आप जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, इसको अच्छे से भून लेंगे। तो अदरक लहसुन हमारा भून गया है, हमें ऑनियन प्याज डाल दूंगी। और ये सारे पाउडर मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और नमक। अभी टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, तो इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए पानी डालूंगी। तो मैंने यहाँ 1/2 ग्लास पानी डाला है, फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो पानी हमने डाल दिया है, अब मैं इसमें तोड़ तोड़ के एक अंडा डालूंगी दूर दूर। और ये लास्ट वाला, तो चारों अंडे हमने डाल दिए हैं, ऊपर से गरम मसाला डाल देंगे इवेनली चारों तरफ, और ये 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और इसको कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते हुए, तो मैं दिखाऊंगी ये कितने अच्छे से पक गए हैं, इसको काट के दिखाऊंगी कितने अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है अंडा। तो मैं इसमें गार्निश करूंगी हरे धनिए से। इसके बाद डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारी एक कड़ी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।